In this video, we will discuss the four domains of Earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. First of all, assi gal karde ha lithosphere di. Lithosphere Earth da oh solid portion ya jithe ki assi log reh rahe ha, te rocks te mantles to baneya hunda ya, te soil di layer de naal eh cover hunda ya. Innu kehnde ne lithosphere. इत्थे काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं जिस तरह माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज एंड एक्सेट्रा. लिथोस्फीयर एक वो एरिया है जिथे ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, तो इत्थे ही जिहड़ी एग्रीकल्चर लई लैंड अवेलेबल हुंदी आ, ते ह्यूमन सैटलमेंट भी इस एरिया दे विच ही हुंदी है. तो लिथोस्फीयर की प्रोवाइड करता है द बेस ऑन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस. दिस इनकलूड सॉयल विच प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स इनकलूडिंग फॉसिल फ्यूल्स. एंड नैक्सट असी गल करते हैं एटमोसफेयर की. साड़ी अर्थ जी बहुत सारिया गैसिस की लेयरस के नाल घिरी हुई है जिन्हों की एटमोसफेयर कहें. तो ये बहुत सारिया एटमोसफेयर गैसिस भी पाई जावेलेबल होंदिया ने जिस तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्हां दे करके इस अर्थ दे उपर साडी लाइफ जिहड़ी आ पॉसिबल आ. नैक्सट असी डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्फीयर. द टर्म हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर. हाइड्रो का मतलब की है वाटर. द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज रेफर टू एज अ हाइड्रोस्फीयर. वाटर स्पोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. इट इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स. ये असी काफ़ी सारे जो वाटर रिसोर्सिज ने इनकलूड कर सकते हैं जिस तरह रिवर हो गया, लेक्स, सीज के ओशियनस हो गए. अर्थ का 71% जोड़ा एरिया पानी के नाल ही कवर है, जिसके करके इन ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. एंड नैक्सट लास्ट असी गल करते हैं बायोस्फीयर की. बायोस्फीयर प्लांट्स के एनीमल जोड़े मिलकर बनाते हैं. द बायोस्फीयर इज़ द जोन वेयर द एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंट्रैक्ट. बायोस्फीयर एक वो जोन है जिथे कि एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर ते हाइड्रोस्फीयर इंट्रैक्ट होंगे, जिदे नाल कि साडी लाइफ आओ पॉसिबल हो जाती है. तो बायोस्फीयर नू डोमेन्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. ये सारे फोर डोमेन्स जेडे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीगे.